इंडिया टीवी पर कोरोना सर्वधर्म सम्मेलन लगातार जारी है। टेलीविजन इतिहास में पहली बार वो कार्यक्रम जो इस संकट की घड़ी में आपको बता रहा है कि कैसे धर्म का रास्ता भी कोरोना से इस लड़ाई में आपकी मदद कर सकता है। और ये हम नहीं, देश के बड़े बड़े धर्मगुरु आकर बता रहे हैं, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हों, सिख, ईसाई, मुसलमान, जैन, हर तरीके के धर्मगुरु, हर धर्म से जुड़े हुए धर्मगुरु आकर यहां पर, स्पिरिचुअल गुरु आकर बता रहे हैं कि कोरोना से इस लड़ाई को कैसे लड़ना है। और कोरोना सर्वधर्म सम्मेलन में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौलाना सैयद वासिफ हसन उर रहमान, जो देश के जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मौलाना सैयद वासिफ हसन लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के मुतवल्ली और शाह पीर मोहम्मद मजार के गद्दीनशी हैं। इन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काफी काम किया और कोरोना काल में लोगों की हर मुमकिन मदद भी की है। मौलाना हसन, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। इस संकट के वक्त में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी भी तारीफ करूंगा, लेकिन इस संकट के वक्त में हर किसी का किरदार क्या हो, धर्म कैसे वो रास्ता दिखाए, आपके हिसाब से वो क्या है? साहब, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने तमाम धर्मों के लोगों को इकट्ठा किया और ये प्रोग्राम किया। बहुत ही ये कदम बहुत ही मुबारकबाद के काबिल है। मैं उसकी सराहना करता हूँ, उसका इस्तकबाल करता हूँ। और अभी आपने जो ये सवाल किया है तो मैं आपको बताऊँ कि साहब, इंसान दुनिया में हर मौके पर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक गाइडेंस आती रही है इंसानों के लिए। तो हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये बताया है आज से 1500 साल पहले कि जब कभी भी इस तरह के हालात, जो वबा है, जो हमारी जो पूरे दुनिया इसमें जूझ रही है, जो फैली है, तो इसमें हमको क्या इकदाम करने चाहिए। उन्होंने कहा, जहां वबा का मर्ज हो तो वहां मत जाइए, और अगर आप उस जगह पर हैं जहां वबा का मर्ज है, जहां पर ये महामारी है, तो वहां से आप जो है रुक जाइए, ठहर जाइए, थम जाइए और ट्रैवल ना कीजिए। तो ये जो लॉकडाउन अभी सरकार की तरफ से जो हम लोगों को हिदायत जारी हुई, तो हम जैसे ही ये साहब, चूँकि दुनिया के हालात हम देख रहे थे और ये हमको खबरें मिल रही थी न्यूज़ चैनल के ज़रिए और तमाम तरीक़े से जो न्यूज़ हमको मिल रही थी, तो जैसे ही लॉकडाउन का आया तो ये तसव्वुर हमारे इस्लाम के अंदर पहले से मौजूद था। तो इस महामारी को समझते हुए उसका, मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को और जिन लोगों ने इसका अहतमाम किया है और जिसका पालन किया है, वो सब बहुत ही मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। और अब देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आज के जो हालात पैदा हो चुके हैं इतने साल, इतने मतलब महीने के बाद जो हमारा लॉकडाउन रहा और उसके बाद जो अब हमारे सरकार की तरफ से ये हिदायत जारी हो रही है कि साहब लॉकडाउन खुलने जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि मज़हब में बहुत ही आसान ज़बान में मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए साहब, मज़हब जो है वो इंसानियत सिखाता है, इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं है। और जैसे ही आपने ये देखिए कि जो अभी हमारे ऊपर ये इंसानों पर जो ये महामारी का जो वक्त आया है, तो ये ऐसा मैं समझता हूँ अफसोसनाक, और इस तरह से हम कहना चाहिए मुब्तिला हुए, हमारे जो रोज़मर्रा के जो जो लोग कमा के खाने वाले थे उन सब उस पर इफ़ेक्टेड हुए। तो अब मैं समझता हूँ कि जैसे कि अभी लॉकडाउन में जिन लोगों ने लोगों की खिदमत करी है, यही मज़हब है, यही सिखाता है, इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब है। जिस तरह से लोगों की सेवा करी है, जिस तरह से लोगों को जो कहने चाहिए राशन पहुंचाने का काम किया है, वो करना चाहिए। और इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि ऊपर वाला जो कोई भी अगर इस तरह के कोई मर्ज़ आता है तो उसके बाद तो शिफा भी उसी की तरफ से आती है। तो अब हम तो जाहिर सी बात है मेडिकल साइंस के तो स्टूडेंट हैं नहीं, हम तो ये है कि दुआ कर सकते हैं। तो वो लोग जो मेडिकल साइंस के लोग हैं और जो इसमें रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारा काम ये बनता है बहसियत एक अच्छे इंसान की कि हम दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द वो कामयाबी दें और वो उनको जो ये जो दवा इसकी है वो हम तक हासिल हो और तमाम इंसानों को इससे फायदा पहुंचे। लेकिन आप देखिए, छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारे घर में कोई आदमी मान लीजिए बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो डॉक्टर एक पर्चा लिखता है और पर्चा लिखने के बाद दवाएं लिखता है और फिर एहतियात बताता है। तो आप क्या करते हैं कि आप घर में मरीज को लेके आते हैं, उसको एहतियात कराते हैं, दवा खिलाते हैं और उसका पूरा एहतमाम करते हैं कि ये जल्दी से अच्छा हो जाए, और आप ये नहीं पूछते हैं कि ये दवा क्या है, कैसे है, और आप उसको फॉलो करते हैं। तो आज जो हालात हैं, जो ये पैंडेमिक है, जो महामारी है, तो हमारे जो रिसर्च कर रहे हैं मेडिकल साइंस के लोग हैं उनकी तरफ से कुछ हमारे एहतियात हमको बताए जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हम अपने घर में परिवार में जब कोई मर्ज आता है उसको अभी दवा तो आई नहीं है, तो अब वैसे ही जो मेडिकल साइंस के लोग जो हमको एहतियात बता रहे हैं, जो हुकूमत के जरिए हमारे पास गाइडलाइन आ रही है, तो ऐसे वक्त में बहैसियत अच्छे इंसान के एक अच्छे समझदार हमको अल्लाह ताला
ताला ने अकल दी है, हमको दानिशमंदी दी है, हमको समझना चाहिए और हमको उन जो तमाम इकदाम जो जारी हो रहे हैं, जो हिदायत हुकूमत के तरफ से आ रही है, उनको हमको पूरा जो है कहना चाहिए, बहुत सूझबूझ से पालन करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी हमको बता रहे हैं वो हमारे भले के लिए है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि मैं अपने घर में हूँ और मेरे घर में, हमारे घर में हमारी वालदा है, हर घर में है कि बच्चे हैं, वालदा है, माँ बाप है। अब आप घर से निकले और अगर आपने लापरवाही अख्तियार की तो वो, जब आप लापरवाही अख्तियार करेंगे तो आप बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे तो खुदा ना खास्ता आप इन्फेक्टेड होकर वापस आएंगे, तो आपके ज़रिए उन लोगों को इन्फेक्शन होने का ख़तरा है। तो ऐसे में मज़हब बहुत साफ तौर से ये बात कहता है और यही सबसे बड़ा बात है कि आपको इस बात को समझना है कि आपको पूरे 99% नहीं 100% आपको उसका प्रिकॉशन लेना है और मैं समझता हूँ कि उसको पूरा 100% एहतमाम करना है ताकि ना आप उसमें मुब्तिला हो ना दूसरे को मुब्तिला होने का मौका दें। मौलाना सर, एक बड़ी खूबसूरत बात हुई आज मज़हब में। जी जी, आप बात पूरी कर लें। जी जी, मैं समझता हूँ कि देखिए बहुत बुनियादी सी बातें हैं, इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है। आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है, हदीस में आया है कि आपके जो पड़ोसी है उसको आपको उसका हक अदा करना है, सात घर इधर और सात घर इधर। तो इसमें यह नहीं कहा गया है कि पड़ोसी कौन से मजहब का है, कहा गया पड़ोसी इंसान जो है, इंसानियत की खिदमत जो है वो सबसे बड़ा मजहब है। तो अब आप जैसे मान लीजिए, हम समझते हैं कि आज हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो रोज़ कमाती है और रोज़ खाती है, तो अब आपको इस बात का, हम सबको इस बात का एहतमाम करना है, समझना है कि हम जब खाना खाएं तो इस बात का करें कि हमारे पड़ोसी ने खाना खाया है कि नहीं खाया है, और हम सब मिलकर इस वबा से जो है उसका मुकाबला करें और पूरे एहतियात, क्योंकि देखिए मेडिकल साइंस में फिर कहूँगा कि वो हमसे बेहतर जानते हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं, वो हमसे बेहतर जानते हैं, उनको पता है कि अभी इसमें हमको किस तरह से चलना है। तो अब जैसे मास्क का लगाना हुआ, और देखिए जिंदगी तो आप चलती रहेगी, वो चलना है, उसको चलती रहेगी, तो अब आप बहैसियत इंसान के आपको कैसे चलना है, तो जो भी आपको डायरेक्शन दिए जा रहे हैं उनको आपको फॉलो करना है, बहुत एहतियात के साथ में फॉलो करना है। यही मेरी सब लोगों से अपील भी है। जी आप मौलाना हसन, एक बड़ी खूबसूरत बात हुई आज इस धर्म सम्मेलन में, सुबह से हम तमाम धर्म गुरुओं से बात कर रहे हैं और देखिए आप भी आए और लोग भी आए, और देखिए आपने जैसे अभी बताया कि पैगंबर साहब ने खुद कहा कि कोई महामारी आ जाए तो जहां हो वहीं रुक जाओ और आग ये फैले नहीं, इसको सुनिश्चित करो। हिंदू धर्म गुरु आए, उन्होंने कहा कि श्री राम बता के गए हैं लक्ष्मण रेखा लांगोगे तो क्या समस्या हो जाएगी, और संयम दिखाना, सब कुछ त्याग देना, ये श्री राम सिखा के गए। जैन मुनि आए, उन्होंने भी सिखाया, उनके धर्म में भी यही संयम सिखाया गया। इस धर्म सम्मेलन में एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भले कोई भी धर्म हो, आपको ये मानकर चलना है कि आपका धर्म इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं है, यही सिखाता है। साहब बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं इसी बात को ही मैं कह रहा हूँ। देखिए हमारा ईमान यही है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबर आए हैं, हर आबादी हर बस्ती में जो है पैगंबर भेजे गए और गाइडेंस भेजी गई है, और गाइडेंस इंसानों के लिए भेजी गई है। देखिए खालिक की जो मखलूक में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो मखलूक है इंसान है, तो इंसान को गाइडेंस भी ऊपर वाले ने भेजी है। तो तमाम बातें जो हैं, देखिए हर मज़हब एक ही बात हमको सिखाता है कि हमको मोहब्बत से पेश आना है, हमको सच बोलना है, हमको ईमानदार रहना है, तो ऊपर वाले की बात एक है तो सब जगह पर आपको वही बात मिलेगी। तो इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब है, मैं यही समझता हूँ। सही बात है। अच्छा एक बात और बताइए कि धर्म के लिहाज से अगर इसको आप स्पष्ट कर दें लोगों के लिए कि जब चुनना हो कि राष्ट्रहित, धर्म, अपना स्वार्थ, अपना परिवार, इसको किस नंबर एक पर किसको रखना चाहिए, नंबर दो पर कौन है, तीन पर कौन है और चार पर कौन है, धर्म क्या कहता है? देखिए धर्म, अगर हम धर्म को समझने की कोशिश करें तो धर्म का नाम यह है कि आपके अंदर जितनी भी अच्छी बातें हों उनका एक जमा हो जाना, उसको धर्म कहते हैं। और हमको ऊपर वाले ने जब पैदा किया तो हमको अंधेरा भी दिया है और रोशनी भी दी है, हमको नेकी करने का इख्तियार भी दिया है, बुराई करने का भी इख्तियार दिया है। अब जब बात आती है आप राष्ट्र की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ अपने मुल्क से मोहब्बत करना ये हमारा आधा ईमान है। आपको मुल्क से वफादार रहना है, मुल्क से मोहब्बत करना है। और मैं ये समझता हूँ, देखिए मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं अपने तौर पर ये बात को समझता हूँ कि जो हमारे लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, भाई मैं तो नहीं, अब वैसे आज के तौर पे देखिए मेडिकल साइंस के लोग जो मेहनतें कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन अब मैं उनको योगदान कैसे कर सकता हूँ, मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूँ। और मैं जब दुआ करूंगा तो जो वो बताएंगे अपनी मेहनत करके, जो वो हमको रास्ता बताएंगे, जो हमको हिदायत जारी करेंगे, हमको खामोशी से उसको मान लेना है। वैसे ही मैं समझता हूँ कि मुल्क के कुछ अपने अपने वो होते हैं, कानून होते हैं। आपको सबसे पहले मुल्क के वो कहना चाहिए, अल्लाह के रसूल ने कहा है कि मुल्क से मोहब्बत आधा ईमान है। तो अब जाहिर सी बात है, जब आधा ईमान की कैफियत मुल्क से मोहब्बत करना है, तो मुल्क के मफाद में जो कुछ भी हो आपको उसमें जो है अपनी कुर्बानी देनी है, और मुल्क के कहने से तरक्की के लिए, उसके कामयाबी के लिए आपको हर तरीके से उसमें आगे उसको काम करना है उसमें, मैं ये समझता हूँ। सर, अब यहाँ से आगे जो धर्म को देखने, मानने, उसको फॉलो करने, उसके लिए चाहे नमाज पढ़ना हो, त्योहार मनाना हो, कोरोना काल के बाद या अब जहां से अनलॉक वन शुरू हो गया है, इसको आप कितना बदलते ही देखते हैं और इसमें लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, अभी लॉकडाउन जब था तो हमने रमजान पूरे अपने लॉकडाउन में ही गुजारे, हमने अपनी ईद भी लॉकडाउन में ही गुजारी, और हमने जो भी हिदायत जारी की गई उसको हमने पालन करने की कोशिश करी। अब आप ये समझिए जी, जो फेज अब आ रहा है, तो ये क्यों, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हमारे सामने मरीज भी आज आ रहे हैं, हमको जो है हुकूमत को ये लॉकडाउन में इसको खोलने की और उसको बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है? वो इसलिए है क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमारे बहुत सी बड़ी आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा के नीचे रहती है, उनके मतलब आज जिन लोगों के पास तो था, उन्होंने तो अपना अपना काम जो रखा हुआ था खा पी के चला लिया, लेकिन वो लोग जो जिस तरह से कहना चाहिए भूख का शिकार हो रहे हैं और जिस तरह से उनके रोजमर्रा की जिंदगी इफेक्ट हो रही है, तो बुनियादी जरूरतों के लिए आज इंसान जो है परेशान हो गया है। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत ने उस बात को नजर में रखते हुए ये इसका लॉकडाउन में ढील देने का काम किया है। अब हमारी जिम्मेदारी क्या होती है? देखिए, मजहब में हमको नमाज पढ़ना इसलिए कहा गया है, हमको रोजा रखना इसलिए कहा गया है कि हम अपने ऊपर अंकुश लगा सकें, हम सही रास्ते को चुन सकें और सही फैसले कर सकें। तो अब जब ये हालात हम देख रहे हैं, हमारे सामने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है वबा के ताल्लुक से, जो महामारी के ताल्लुक से, तो अब लॉकडाउन ढील हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है मॉल में इकट्ठा हो जाए, हम मस्जिदों में भीड़ लगा लें, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। हमको ये चाहिए, हमारे इमामों को चाहिए, हमारे लोगों को चाहिए, लोगों को बताएं, समझाएं कि देखिए ये जो भी बातें हिदायत जारी हो रही है हमारे भले के लिए, हमारे बच्चों के भले के लिए, हमारे घर वालों के भले के लिए, कि ये मर्ज में मुब्तला ना हो। तो अब आपको जो इबादत करनी है तो उसका तरीका है जो 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 गाइडलाइंस आई हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, मास्क का लगाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना। अब मसलन नमाज पढ़ने के लिए गए वहां पर, तो वजू घर से करके निकले, अपनी जानमाज लेके निकले, और सबसे बड़ी बात यह है कि सुन्नतों को घर में पढ़िए, फर्ज नमाज को जो है वहां पर जाके अपनी सिर्फ अदा कीजिए, और किसी तरह के कोई सोशल उसका मुजाहरा मत कीजिए, और सिर्फ इस मकसद से जाइए कि हमको अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगनी है, और ये जो महामारी पूरी दुनिया में आई है, तमाम इंसानों से ये महामारी जो है ये मर्ज खत्म हो जाए, और जो मेडिकल साइंस के लोग जो हमारी कहना चाहिए कोशिशें कर रहे हैं दवा बनाने के लिए, जो कोशिशें करें, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द कामयाबी दे दे। और देखिए, यकीन भी रखना है इस बात पर, क्योंकि अल्लाह ताला ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी बीमारी जब हम देते हैं तो उस पर बाद हम उसमें शिफा भी हम ही देते हैं। तो हमारे जो लोग कोशिश कर रहे हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे, और हम अपनी पूरी बहसित इंसान के और अपने पूरे कहना चाहिए होशमंदी के साथ में उन तमाम जो उसूल जाबते हमको बताए जा रहे हैं हम उनको फॉलो करेंगे। और हमारे तमाम मस्जिद के इमामों को ये चाहिए कि उस बात को ख्याल रखें और उनका एहतमाम करें। अगर ज्यादा लोग आ रहे हैं तो मना कर दें, उनको आने के लिए इजाजत मत दें। जितनी जगह है, कुछ छोटी जगह है, मस्जिदें छोटी होती हैं, कुछ बड़ी जगह है, तो जिस एतबार से जगह है, अब जामा मस्जिद दिल्ली की बहुत बड़ी मस्जिद है, तो वहां पर ये कहा जाए कि साहब 5-10 लोग जाएं, मैं समझता हूं कि वहां पर जब बड़ी जगह है तो बड़ी 50, 100, 200, 500 जो कैपेसिटी उसकी है, उसके आधे से भी कम में जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है और फॉलो की जा सकती है, भाई आप वहां जा रहे हैं अल्लाह के सामने इबादत करने के लिए, तो वहां मकसद क्या है? वहां भीड़ दिखाना मकसद नहीं है, वहां यह है कि आज मैं समझता हूं कि वहां जाके अपने गुनाहों की माफी मांगना है। क्योंकि हम जब राह रास्त से भटक जाते हैं तो इस तरह की हमारे साथ आजमाइश आती है, और इंसान की जिंदगी जो है वो आजमाइश से ही गुजरती है और उससे ही वो सीखता है। तो हमको इत्मीनान भी रखना है और उन तमाम जो हिदायत जारी हो रही है उनको फॉलो करना है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये दुआ करना है कि इंशाल्लाह ये वबा जो है जल्द से जल्द खत्म हो, और इसमें हम सब उम्मीद के साथ में सब एक होके और इंसानियत के जज्बे से, जो सबसे बड़ा मजहब है वो मैं फिर कहता हूँ कि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है, खिदमत से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है, उस जज्बे से काम करें। हर लोगों की जो गरीब लोग हैं उनकी परेशानियों को देखें, उनकी देखें कि उनके घरों में खाने के लिए है, जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको इन तमाम अभी देखिए जो लॉकडाउन गुजरा है ये बहुत सख्त वक्त गुजरा है, तो हमारे जो लोग थे उन लोगों ने बहुत खामोशी के साथ में
बहुत अपने तौर पे देखिए, खिलाने वाला तो ऊपर वाला अल्लाह खिलाता है, लेकिन जिन लोगों तक आप पहुंच सकते हैं, आपके पास अगर है दो रोटी तो एक रोटी उनसे आप शेयर कर लीजिए और उनको उनका पेट भरने का काम कीजिए। इससे बड़ा मजहब कोई हो नहीं सकता है। देखिए मजहब जो है वो आप जो अमल करते हैं, जब आपको सुकून उससे मिलता है तो वो वही मजहब है। तो अच्छे काम करने से, नेक काम करने से दिल को इत्मीनान होता है, सुकून होता है और कॉम्प्लिकेशन लाइफ में नहीं होते, बड़ा आसान और सिंपल और सरल हो जाता है। तो यही मजहब सिखाता है। तो अच्छाई काम कीजिए, नेकी के काम कीजिए और इस तरह से जो है अब अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए और हर तरह से लिहाज रखिए। प्रिकॉशन, जैसे कहावत है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो हम अगर एहतियाती कर लें और हम उसको जो है, इससे हमको नौबती ना आए कि हमको जो है इलाज की जरूरत पड़े, हम पहले से प्रिकॉशन ले लें। अभी हमने ईद में नमाज घर में पढ़ी, जुमे हमने पढ़े, तो वैसे ही हमको, मैं समझता हूँ हमको मौका मिला घर में नमाजों पढ़ने का, तो जरूरत नहीं है। आप अगर महसूस करें कि आबादी ज्यादा तादाद में लोग वहां मस्जिद में पहुंच रहे, तो आप घरों में नमाज अदा कीजिए, अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ में अल्लाह से दुआ मांगिए, नमाजें कीजिए, अपने अमाल कीजिए। यही है मेरा पैगाम लोगों के लिए। आपने बहुत खूबसूरत पैगाम दिया है मौलाना, और मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट कर दिया आपने कि धर्म कोई भी हो, अपनी रक्षा कीजिए, अपने साथ अपने पड़ोसी की भी रक्षा कीजिए चाहे उसका धर्म कोई भी हो, समाज की रक्षा कीजिए, राष्ट्रहित को मानते हुए अपने कदम उठाइए। और धर्म यही सिखाता है कि भूखे को खाना खिलाइए, गरीब की मदद कीजिए, जितना अच्छा कर सकते हैं कीजिए, चाहे धर्म कोई भी हो, मान के चलिए, सब में यही बात सिखाई गई है। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आखिरी बात में जी बोल दीजिए, बात अर्ज करना चाहता हूँ कि साहब, मैं तमाम लोग जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे तमाम जो पुलिस के लोग हैं और तमाम जो लोग कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं इस बीमारी में भी, जो जिस तरह से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, मैं उन सब का बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ उन लोगों की सेहत के लिए। और ये यकीन मानिए उनके जज्बे को, मैं समझता हूँ कि ये वक्त ऐसा है कि हर इंसान को चाहिए कि ऐसे लोगों की दुआ करें और उनकी खिदमत जो है अल्लाह ताला कबूल करे और उनकी जो कोशिशें हैं, जो परेशानियाँ हैं, जल्द से जल्द से निजात मिले। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप जैसे लोगों को और ताकत दे, लंबी उम्र दे, ताकि आप बहुत सारे लोगों तक ये अच्छी अच्छी बातें पहुँचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैयद